बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी की फैमिली तमाम पहले खानदान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम दुआएं और मेरे बच्चों को ज़्यादा प्यार और सुनाए। आप लोग कैसे हैं? मेरा पाक शुक्र है, माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस सब मैंने लिए कुछ सब्ज़ी वाले से सब्ज़ियाँ, उनको वाश कर लेते तो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। चलो फिर करते हैं सब्ज़ी वाश। ये सब्ज़ी वाला आया था ना, तो सब्ज़ियाँ मैंने ले ली, खीरे लिए और आलू हैं नीचे ये, और इसके अलावा हरी मिर्चें जैसे धनिया और पुदीना पुदीना लिए और टमाटर लिए, तो अभी ना और भिंडियाँ लिए। तो अब इनको ना सब इन सब्जियों को वॉश कर लेते हैं, धनिया को पुदीने को वाश नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ वाश कर लेते हैं और करके ना रख लेते हैं। भिंडियाँ इंशाल्लाह पका लेंगे, अगर भिंडियाँ नहीं पकाएं आज नहीं पकाएंगे तो कल पका लेंगे। बहरहाल धो के रख देती हूँ, क्योंकि जब हम धो के रख देते हैं, जब ये बिल्कुल बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं फिर हम काट के पकाते हैं, ऐसे नहीं पकाते गीला गीला। जब गीला गीला पकाएं ना तो वो ना पूरी सब्ज़ी के अंदर ना सालन में वो ऐसी ना लेसदार सालन पकता है, अच्छा नहीं लगता वो। तो अभी हम सब्ज़ियाँ वाश कर लेते हैं, ठीक है। और सब्ज़ी मैंने इसमें रखी है जो है ना शादी इसके अंदर, क्योंकि मुझे ना इस बेसन के अंदर ऐसे मैं फेंक कर सब्जियाँ नहीं धोती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेशक साफ़ सुथरा है, साफ शफाफ है, नया है, सब कुछ है, लेकिन मैं ना ऐसे मतलब बर्तन रख के साफ़ कर धोती हूँ, मैं नहीं धोती ऐसे। तो मैं सब्जियाँ वाश नहीं, लाइट जा चुकी है, लाइट तो सारा दिन ही भिंडियाँ ना भिंडियों को पर एक एक करके धोती रहती, जैसे एक एक भिंडी उठाई और धोली, दो दो उठाई धोली, ऐसे एक फिर साथ धो ना साफ नहीं होती। चिकन भी वैसे धोती हूँ, रख लेती हूँ मैं ऐसे शादी में, और यहाँ एक रख लेती हूँ बड़ा शादी प्लेट, एक एक बोटी धोती हूँ साफ शफाफ करके, फिर ना उसको फिर पहले ऐसे बार एक एक बोटी धोती हूँ, फिर दूसरे पानी में धोती हूँ जज का भर के, फिर सिरके में डाल के रख देती हूँ 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, फिर उसके बाद फिर दो बार साफ पानी की धोती, नाश्ता बना लिया, चाय बना रही हूँ, आपकी आप आ जाना, सही है, अंडा बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, पराठा बनाया हुआ काटे की इकरा, अभी से तो धो कर रखूंगी जब तक ये खुशक होंगी। चोट भी लगी आपकी, ये है ना, ये इससे लगी, दो दो तीन तीन लेके एक ना भिंडी धोऊंगी ना जब साफ होगी, ऐसे एक दफा ही पानी डाल के नहीं धोती, साफ ही नहीं होती। चिकन खा करके ना दिल खराब होने लगता है, रोज ना गोश्त नहीं खाएगा, तो शाम सब्जी बना ले, दाल बना ले,
टमाटर और हरी मिर्चें ये भी वॉश कर लिए, बस इनको बाहर रख देती हूँ, सूख जाएंगे फिर फ्रीजर में, उसमें नीचे रख दूँ फ्रिज में, वहाँ भी पानी पानी रहते हैं। आलू सूख जाएंगे ना तो निकाल लेंगे। सब्जी महंगी, कोई सब्जी नहीं, आलू का देखें जरा 80 रुपए किलो। ये जो है ना, ये मतलब बिरयानी चावल वगैरह बनाने वाला छन्ना सा होता है ना, जो ये ना मेरी अम्मी का है, मेरी अम्मी ने दिया था ना, मतलब मेरी शादी हुई थी जब जेज में, मेरी अम्मी की निशानी है। देखिए इंसान चले जाते हैं, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी, वैसे का वैसे ही। चलो अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे को। चले फिर शमशा के लिए चाय बनाती हूँ, अभी वो पराठा नहीं खा रही ना, चाय पापे मांग रही है उसके रोज़ शमशा के लिए, तो अब उसको दे देते हैं चाय पापे, अब वो कह रही मैं नहीं खाऊंगी अंडा पराठा, और चाय पापे दे देते हैं। चाय मैंने बना ली शमशा के लिए और पापे ये रख लिए, जाके दे देते हैं शमशा को नाश्ता, शमशा का नाश्ता ये। चलो फिर देते हैं उसको, और ये बना रही हूँ मैं दूध की कच्ची लस्सी, मतलब चीनी डाल दी इसके अंदर मैंने, और दूध डाल दिया और पानी डाल दूँगी अभी ठंडा, और ये बना लूँगी एक जग भर के बना दूँगी, जिसका दिल जाएगा वही पी लेगा, मैं पी लूँगा, गुमशा और मेरा बेटा चुरा अंबर उसके बाद घर पे है नहीं है, तो फिर बस ये इसको भी बना लेते हैं और गुमशा को नाश्ता दे आते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने रिमशा के लिए चाय बनाई, उसको नाश्ता दिया, और नाश्ता देने के बाद फिर सर की अजान हो गई, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अब मैं आ गई छत पे, और इसलिए कि नीचे गर्मी एक घबराहट हो रही है, क्योंकि चलो चलते छत पे जाकर खुला फ़िज़ा में ज़रा सांस लेती हूँ, और जो कपड़े मैंने धोए वो भी सूख गए, वो भी ले जाते हैं, फिर अभी लाइट आ जाएगी तो फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी, शायद आटा वाटा गूँधूँगी, सालन बनाने की तैयारी करूँगी, और जो सालन बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कपड़े आपको दिखाती हूँ सूख, ये देखें जो कपड़े मैं धोकर गई थी वो सूख चुके हैं, तो ये मैं उतार के ले जाती हूँ, और रोटियों वाले कपड़े भी सूख चुके हैं वो भी ले जाती हूँ। आसमान में बादल हैं और कबूतर उड़ रहे, ये जो कबूतर है ना ये पले हुए किसी के, देखें कैसे टोले बना बना के घूम रहे, देखें माशाल्लाह मौसम बहुत प्यार है, ये कबूतरों को देखें, ये ना किसी के कबूतर हैं जो मतलब उड़ है, ये चीले तो कबूतर उड़ रहा है, हवा देखिए इतनी प्यारी चल रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, प्लेटों पे भी धूप आई हुई है, देखो थोड़ी देर बाद छाया आ जाएगी ना फिर प्लेटें जल जाएंगी। चांद नज़र आ रहा है, देखिए आप देखिए सामने, कपड़े उतार लेती हूँ तो नीचे जाती हूँ, नीचे जाके तय करके रखती हूँ, पहले थोड़े देर यहाँ बैठती हूँ, खुली फिजा में ज़रा सांस लेती हूँ, ऑक्सीजन ले लूँ ताज़ा हवा की, अभी आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी साग करते हुए ना मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
देखो ये ना वो उसको मांज रही थी ना, धो रही थी, जिसमें मैंने सब्जी डाली है ना, वही जो चावल और बिरयानी मतलब छानने बॉयल चावल जिसमें छानते हैं चावल वगैरह, तो वो ना उसको मैं मांज रही थी अच्छी तरह, तो वो ना उससे ना उसका कुंडा मेरे हाथ पे लग गया। तो चले फिर छोटी मोटी चीज छोटे तो लगती रहती हैं। ये जो पौधे हैं ना इनकी भी सफाई करती हूँ अभी मैं, इनकी जो फालतू चीज़ें निकल आई इनको निकाल के फेंकूँगी, और ये देचका भी उठा के ना इसमें से मिट्टी निकाल के ना गमले में डाल दूँगी और कुछ उगा दूँगी, ये वजनी पौधे ना उठाया नहीं जाता मेरे से। चलें फिर कपड़े उतार लेते हैं, चाहते हैं नीचे सर, देखिए साफ़ सुथरी है, इकरा ने धोई है, इकरा धोती है ना छत पाइप लगा के ना धो लेती है, साफ शफाफ है कपड़े, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं उड़ते हुए, वो वाइट रंग का कबूतर उड़ा, खजूर का दर्द कितना प्यारा लग रहा है, नीम का दर्द देखो पत्ते मिल रहे कितने प्यारे लग रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि सब्जियाँ वगैरह मैंने वाश कर ली और ईशा के लिए चाय बना ली, उसके चाय कॉफ़ी का नाश्ता दे दिया, आज उसने पराठा डमी खाया, और इसके बाद जो मैंने दूध की कच्ची बनाई थी वो भी आपको दिखाया, वो हम लोगों ने पी ली सब मिल के, और अभी मैं चल गई छत पे, छत का सीन भी आपको दिखाया मैंने, अभी तो शाम को इंशाल्लाह तआला बहुत अच्छा समा होगा छत का आसमान का मतलब, और फ्लैटों की जो रोशनी जल जाती है माशाल्लाह इतने प्यारे लगते हैं, तो कपड़े उतार के मैं नीचे ले आई हूँ, जैसे कि मैंने कपड़े दिखाए आपको सूख गए, कपड़े उतार के मैं नीचे ले आई हूँ, अब इनको कर लेती हूँ तय और रख देती हूँ अपनी अलमारी में, और लाइट अभी आने वाली है, जैसे कि जनरेटर की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो इंशाल्लाह फिर गुन लूँगी आटा, फिर बना लूँगी साथ में सालन, और अभी देखें बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा मैं चीज़ बना देती हूँ, तो इतना वो बोलती हूँ आप चीज़ काटो मैं बना देती हूँ, साथ में नाटक की रोटियाँ बना दूँगी, तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले लोग में किसी नए रूटीन के साथ, उस सब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अपना अपने प्यारों का रखें ख्याल, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जा रहे हो खुश रहें बाद में हंसते मुस्कुराते रहें, शुक्र है लगा कि जनरेटर बंद हुआ है, लाइट आ चुकी है और जनरेटर बंद हो चुका है, तो चलें फिर दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ बाय।